यूपी के कौशाम्बी लोकसभा सीट से सपा बसपा आरएलडी महागठबंधन से घोषित प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज ने आज पांचवें चरण में होने वाले मतदान में अपना नामांकन किया है। नामांकन के दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने तीखी झड़प भी हुई। बता दें कि सपा के हिस्से में मिली कौशाम्बी सीट से घोषित प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज ने नामांकन करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और देश को बहुत पीछे ले जाने का काम किया है। जो वादे किए हैं उसको निभाने का काम नहीं किया है, इसीलिए महागठबंधन हुआ है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी, अजीत सिंह का ये गठबंधन हुआ है। और ये गठबंधन इसलिए हुआ है कि देश से भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। जनता ऊब चुकी है। हमारा जो मुद्दा है पहले है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, और फिर उसके बाद चुनाव जीत करके संपूर्ण ये कौशाम्बी लोकसभा का विकास करना, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा कांग्रेस को अलीवाला और खुद को बजरंग बलीवाला बताया। देखिए, भाजपा के लोग झूठे लोग हैं। भाजपा तो कुछ भी कह दे, वो उन्हें तो जाति धर्म, वो तो बजरंग बली जी को दलित भी कह दिए हैं, और वो देवी देवताओं की भी जाति निर्धारित करते हैं। वो लोग बौखला गए, उन्हें पता चल गया है कि गठबंधन बड़े पैमाने पर इस देश में और प्रदेश में जीतने जा रहा है, उनकी चला चली की बेरा है, तो उनका मानसिक संतुलन जो है गड़बड़ा गया। आप किसके साथ हैं, अली वालों के साथ? हम तो सबके साथ हैं, सर समाज की जनता के साथ हैं। सर समाज के लोग हमें वोट देने जा रहे हैं और सर समाज के लोग ही मिलकर इन झूठे लोगों को भगाएंगे।